को बधाई दी। सीएम ने कहा है कि राजनीति में एक वैकल्पिक विचारधारा जो भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के आधार पर देश और समाज के निर्माण की थी, उसे लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ की स्थापना की थी। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अंतर विरोध से जूझ रही कांग्रेस के पास न नेता है और न ही नीति। आप सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। कहां से हमारा सफर प्रारंभ हुआ? डॉक्टर मुखर्जी साहब, पंडित दीनदयाल जी, उषाभाऊ ठाकरे जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, बाद में अडवाणी जी जुड़े, अटल जी, अटल जी, अडवाणी जी, एक साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना की। सब कोई सोचता नहीं लोग उस समय कहते थे इस दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना तेल नहीं। कई गांव में तो घुसने नहीं देते थे जनसंघ की, प्रवेश नहीं होगा। लेकिन हमारे ठाकरे जी जैसे तपस्वियों ने जवाहरलाल जी याद आते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। कांग्रेस अंतर विरोधों से जूझ रही है, ना दिशा है, ना गति है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। कई बार वो नकल करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके अंदर से ही विरोध के स्वर उठते हैं। कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस का कुनबा टूट रहा है, और इसलिए अलग ढपली और अलग राग उनके निकल रहे हैं। लेकिन मैं तो आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दे रहा हूं। 5 सालों से स्वच्छता में